हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने से मना कर रहे हैं मुंबई इंडियंस के आधे खिलाड़ी। नीता अंबानी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। रोहित शर्मा ने पांड्या को दिखाई उसकी असली औकात कौन है, वह खिलाड़ी जो करता है पीठ पीछे रोहित की बुराई। चलते मैच में पांड्या ने दिखाई तानाशाही तो गुस्से से लाल पीले हो गए। जसप्रीत बुमराह बोले, रोहित भैया के लिए जान दे दूंगा। रोहित शर्मा को नीचा दिखाना छपरी, पांड्या को पड़ेगा भारी धोखेबाज। पांड्या को मिला इस खिलाड़ी का साथ, बीसीसीआई ने किया बड़ा ऐलान। लो जी, जिसका डर था वही हुआ। मुंबई इंडियंस के आधे से ज़्यादा खिलाड़ी घमंडी हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने से मना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा से लेकर जसप्रीत बुमराह से लेकर सूर्य कुमार यादव जैसे टॉप क्लास के मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी रोहित शर्मा की कप्तानी में खेलने से मना कर रहे हैं। आप लोगों ने तो देखा ही हुआ किस तरह से हार्दिक पांड्या की कप्तानी रही। हार्दिक पांड्या मतलब कि छपरी पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से मुंबई जैसी आईपीएल की 5 बार की आईपीएल चैंपियन टीम को लगातार 2 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। पहले छपरी पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से 5 बार की आईपीएल की चैंपियन मुंबई इंडियंस को गुजरात के हाथों शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। उस मैच में छपरी पांड्या ने काफ़ी ज़्यादा खराब कप्तानी करी थी। पहले बॉलिंग से 3 ओवर में ही 30 रन लुटा दिए थे, उसके बाद बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पाए थे। उस मैच में चलते मैच के दौरान छपरी हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा को काफ़ी ज़्यादा नीचा दिखाते हुए नज़र भी आए थे। जो रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई इंडियंस 5 बार की आईपीएल की चैंपियन बनी है, वही रोहित शर्मा आज मैदान पर रोने पर मजबूर हो गए हैं। हार्दिक पांड्या की तानाशाही की वजह से जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेलने से मना कर सकते हैं। दोस्तों आप लोगों ने तो देखा ही होगा किस तरह से छपरी हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग करवाता है, हर जगह इशारे देकर यहाँ से वहाँ लगवाता है। कभी रोहित शर्मा से बोलता है कि तू जाकर बाउंड्री के बाहर लग जा, कभी बोलता है कि मिड विकेट के ऊपर उस साइड चला जा, कभी बोलता है कि तुम 30 गज सर्कल के अंदर ही रहो। इस तरह से रोहित शर्मा काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। यही रोहित शर्मा है जिसकी कप्तानी में मुंबई इंडियंस काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती है। वह बात अलग है कि मुंबई इंडियंस हर साल के आईपीएल में शुरुआती के मैच हारती है, लेकिन अगर बिना लड़े ही अगर आप हार जाओगे तो सवाल तो उठेंगे ही। दोस्तों जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के लाखों करोड़ों फैंस हार्दिक पांड्या को जमकर खुल्लम खुल्ला गालियाँ दे रहे हैं, कोई हार्दिक पांड्या को गद्दार बोल रहा है तो कोई छपरी बोल रहा है, यहाँ तक कि गुजरात के फैंस भी रोहित शर्मा फैंस से मिल चुके हैं। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के खिलाफ खेले गए महामुकाबले में भी हार्दिक पांड्या की खराब कप्तानी की वजह से ही मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ता है। हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह से हार्दिक पांड्या की पता नहीं क्या दुश्मनी है कि जसप्रीत बुमराह से पावर प्ले में गेंदबाजी करवाते ही नहीं है। सभी एक्सपर्ट का यही कहना है कि जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस का सबसे घातक गेंदबाज है और जसप्रीत बुमराह से पहला ओवर कराना चाहिए, लेकिन हार्दिक पांड्या जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी कराने की बजाय खुद ही गेंदबाजी करने के लिए चले आते हैं और काफ़ी ज़्यादा रन भी लुटा देते हैं, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस को हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हैदराबाद के 3 बल्लेबाज मुंबई इंडियंस के सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई करते हैं। जसप्रीत बुमराह से गेंदबाजी तो करवाता है हार्दिक पांड्या, लेकिन 10 ओवर बीतने के बाद करवाता है, जिसकी वजह से आज पूरे सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर खूब सवाल उठाए जा रहे हैं। हर किसी का यही बोलना है कि हार्दिक पांड्या को कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए और रोहित शर्मा को दोबारा से कप्तान बनाना चाहिए, नहीं तो सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ी मुंबई इंडियंस से खेलने के लिए भी मना कर सकते हैं। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी से काफ़ी ज़्यादा रन लुटाए थे और बल्लेबाजी के दौरान भी हार्दिक पांड्या की काफ़ी ज़्यादा खराब बल्लेबाजी रही थी। दोस्तों एक तरफ मुंबई इंडियंस के सभी बल्लेबाज रोहित शर्मा हो, ईशान किशन हो या फिर टीम डेविड हो या फिर तिलक वर्मा ही क्यों ना हो, यह चारों बल्लेबाज 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन तब वहीं कप्तान हार्दिक पांड्या 120 के मामूली स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं और 20 गेंदों का सामना करके 24 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। यही मुंबई इंडियंस के हार की वजह रही। अगर हार्दिक पांड्या भी 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते तो क्या पता मुंबई इंडियंस सनराइजर्स हैदराबाद द्वारा दिए गए 277 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर को भी चेज कर लेती, लेकिन छपरी हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस को हरवा देते हैं। खैर आप लोगों का क्या कुछ करना है हार्दिक पांड्या को लेकर, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जोड़ दीजिएगा।